आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। गुना जिले में अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हैं। आए दिन हो रहे अपराध। 26-27 की दरमियानी रात चोरों ने हार्ट रोड स्थित एक मोबाइल की दुकान पर हाथ साफ किया और वहां रखे मोबाइल, पेन ड्राइव, पैसे आदि लेकर फरार हो गए। सुबह सफाई कर्मचारियों ने दुकान को मालिक को इसकी जानकारी दी कि उनकी दुकान में चोरी हो गई है। जानकारी के अनुसार 26 और 27 की रात चोरों ने हार्ट रोड स्थित प्रियंका मोबाइल शॉप के पीछे से दीवार में छेद बनाकर दुकान के अंदर रखे महंगे मोबाइल, पैसे और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। यह एक दिलचस्प बात देखने को मिली कि चोर मोबाइल के कवर छोड़ गए और अंदर रखे मोबाइल और चार्जर रह गए, जिसे देखकर प्रतीत होता कि चोरों ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। पुलिस विभाग शहर में मुस्तैदी से कार्य करने एवं कैमरे लगे होने के दावे करती है। वहीं देखने लायक होगा कि इस मामले में पुलिस विभाग के द्वारा लगाए गए कैमरे कितने कारगर साबित होते हैं। अरे नहीं सुनगा तुम्हें यार, टाव कर दे रहे यार। रात में चीजें नहीं सर, अब सुबह आके मालूम पड़ा कि वो जो सफाई वफाई कर्मचारी आते हैं, उनने फोन ला के बताया कि आज दुकान के पीछे से गड्ढा मड्ढा हुआ पड़ा और सामान बाहर बिखरा पड़ा है। सुबह आके देखा तो उसमें बहुत सारा सामान नहीं चला गया और अभी देखते हुए अंदर जो लग रहा है कम से कम 3-3.5 लाख रुपये का सामान चला है और अंदर अभी जाके देखा नहीं है, उसको पैसे भी रखे थे और भी ऐसे सीरीज वगैरह का सामान रखा था, पेन ड्राइव रखे थे, चार्जर वगैरह और कार्ड वगैरह सब रखा था। तो क्या अंदेशा लगा सकते हैं आप? अभी तो आप सर कुछ कह नहीं सकते, अभी तो देख के भी लग रहा है कि कम से कम मोबाइल तो गए कम से कम 25-50 लाख का ज़्यादा। अच्छा, और एंड्रॉइड मोबाइल से जैसे आप देख तो रहे हो, एंड्रॉइड मोबाइल के खोखे खोखे पड़े हैं, उनमें से मोबाइल मोबाइल निकाल के। अच्छा, खोखे अकेले छोड़ दिए मोबाइल ले। और इनमें क्या क्या सामान है? अभी तो कुछ दो रुपये की बच रही है मोबाइल। अच्छा, अखिल भारतीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में दक्ष प्रजापति जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया चल समारोह। ये चल समारोह गुलाबगंज से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ निकाला गया। चल समारोह का समापन प्रजापति समाज के शिव मंदिर पुरानी छावनी स्थित जाकर हुआ। इस मौके पर समाज जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चल समारोह में बैंडबाजी की धुनों पर समाज जन थिरकते हुए नजर आए। परिवार द्वारा मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। इस महोत्सव के अंतर्गत कल शाम से ही हवन, जप एवं पूजन कार्यक्रम जारी रहा है। वहीं देश में व्याप्त जातिवाद, आतंकवाद आदि के खात्मे के लिए जाप किया गया। आगामी दिनों में गायत्री परिवार द्वारा बहुत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए पुरुषोत्तम संस्कार भी कराया जाएगा ताकि उनकी संतानें संस्कारवान पैदा हों। साथ ही 5 साल से लेकर 13 साल के बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं भी लगाई जाएंगी, जिनमें वह संस्कार सीखें और जीवन जीने का तरीका भी सीखें। साथ देगा, आपके साथ जाएगा और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। आगे कहते हैं, हम सबका परम कवि कर्तव्य यही है कि गुरु सत्ता ऋषि सत्ता के निर्देशों को समझें
उन पर भरोसा रखें और सावधानियां बरतें कि सांसारिक विकट के प्रभाव से बचते हुए अपने धर्म कर्तव्यों को अधिक भाव से पूरा करते रहें। अपने इन भव्य अनुबंधों को स्मरण में रखकर तदनुसार अनुशासनों के पालन में श्रेष्ठ सिद्ध होते रहें। साधकों, युग निर्माण बड़ा व्यापक अभियान है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है हमारी, और उसमें नींव को भराई हो रही है, और इसके बाद जब पिलर खड़े होंगे, भवन खड़ा होगा, तुम्हारी आने वाली संतति, हमारी आने वाली भावी संतानें करेंगी। आगे कहते हैं गुरुदेव, इस युग के सभी प्रतिभावानों तथा सृजनशील संगठनों को इसमें अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी होगी। आपको ये बात याद हो, गुरुदेव ने कर्म योग में एक लेख लिखा था। गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है हिंदुस्तान के सभी हमारी इकाइयों में, सभी संस्थाओं में, गायत्री शक्ति प्रज्ञापीठ और मैंने शाखाएं जहाँ भी, सभी जगह मनाया जा रहा है। कल शाम से ही मैंने जप का कार्यक्रम चला विश्व कल्याण के लिए। इस समय जो आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद जो चल रहा है, इसके समन के लिए जो है ये सामूहिक रूप से जप चला, अभी यज्ञ हुआ और यहाँ दीक्षा संस्कार हुए और यहाँ पर रचनात्मक कार्यक्रम की गतिविधियाँ चलने का मैंने राज संकल्प हुआ है, जिसमें वृक्षारोपण बृहद रूप में अभियान के रूप में और गर्भवती बहनों के 3 माह के पुरुषवत संस्कार, ताकि उनके गर्भ से जो भी बच्चे पैदा हों वो संस्कारवान पैदा हो, और इसके बाद 5 साल से लेकर के और 13 साल तक के बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर बाल संस्कार शालाएँ चलेंगी और उनको जो है उनके जीवन में आगे ऊँचे उठने के लिए सूत्र देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, ताकि वो देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृत के लिए एक होनहार साबित हो। अपनी परेशानियां लेकर छात्रावास के छात्र पहुंचे जिलाधीश से गुहार लगाने, साथ ही ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश को अवगत कराया अपनी परेशानियों से। छात्रों की माने तो छात्रावास में पीने के पानी की एवं छात्रावास तक पहुंचने के रास्ते की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। छात्रावास तक पहुंचने के मार्ग में कीचड़ भरा हुआ है, जिससे छात्रावास में रहने वाले बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहीं छात्रों ने बताया कि छात्रावास के आसपास काली मिट्टी होने के चलते वहां पर इतना कीचड़ हो जाता है कि चलना भी दुभर हो जाता है। छात्रों ने बताया कि जो ट्यूबवेल छात्रावास के बच्चों की प्यास बुझाने के लिए लगाया गया था, वह आज दिनांक तक खराब पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि बच्चों को नहाने एवं कपड़े धोने के लिए बारिश का पानी सहेजना पड़ता है। छात्रों ने बताया कि ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी इससे पहले कोई शिकायत ना की हो। इससे पहले आदिम जाति कल्याण विभाग में शिकायत करने एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों से छात्रावास में पहुंचने के समय भी इनकी परेशानियों से अवगत कराया था, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकल पाया। छात्र परेशान है और इसी परेशानी का हल देखने के लिए आज भी जिलाधीश के पास पहुंचे। अब देखने लायक होगा कि क्या हमारी खबर प्रसारित होने के बाद छात्रावास की तस्वीर बदल पाएगी या नहीं। तो पानी है पीने का और उसमें ना रास्ता है हमें स्कूल जाने आने का। अभी तक 1 महीना होगा स्कूल भी नहीं गए, हमको स्कूल से नोटिस मिलने चालू हो गए हमें। तो करीबन कितने बच्चे रहते हैं उसमें? 48 बच्चे रहते हैं करीबन। तो इसकी शिकायत आप करने आए हो कलेक्टर साहब से? हाँ, इसकी शिकायत करने आए, अभी तक कलेक्टर साहब नहीं मिले हमको, 1.5 घंटे हो गए अभी तक यहाँ। अच्छा, और इसके पहले हम आदिम जाति कल्याण विभाग में गए थे, वहाँ पे भी हमको मेस मीनू बात करके भगा दिया, हमारा आवेदन भी नहीं लिया उन्होंने। किन्ने? आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी जी ने। अच्छा, वो 25 तारीख को हमारे हॉस्टल में आए थे, वहाँ पे भी मेस मीनू की बात करके चले गए। उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति ने आज किया धरना प्रदर्शन। इन दुकानदारों की मांग है कि इन्हें भी अन्य राज्यों की तरह राशन विक्रय का कमीशन बढ़ाया जाए, साथ ही 13 माह से रुका हुआ कमीशन भी जल्द दिलाया जाए, साथ ही इनका जो सिस्टम है उसे ऑफलाइन किया जाए, क्योंकि कई बार सर्वर न मिल पाने की वजह से राशन देने में असमर्थ हो, जिसके चलते कई बार इन लोगों की भिड़ंत आम नागरिकों से तक हो जाती है। को खाद्यान्न से वंचित न रखा जाए, राज्य शासन की मंशा अनुरूप प्रदेश के समस्त
इसमें सब लोग हम परेशान हैं। हमारी जो कमीशन की राशि है पूरे भारतवर्ष में कम है, सब जगह 200, गोवा में 200, उत्तर प्रदेश में 200, राजस्थान में 125 तरह, समस्त राज्यों में अधिक है। हमें मात्र 70 रुपये दिया जाता है, मानदेय हमारा सीधा हमारे खाते में डाला जाए, ना कि बैंकों के मुंशियों के माध्यम से, आज तक कोई पता ही नहीं है, है ना। दूसरी खाद्यान्न जो हम बांटते हैं उसमें सर्वर नहीं आ रहा है, ऑफलाइन किया जाए जिससे जो भोगता है हमारा पात्र उसको उसका राशन मिल जाए, क्योंकि उसकी हमारे ऊपर ही उतरती है पूरी भार, इस तरह ये ना उतरे, है ना। उचित मूल्य दुकानों का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश में केवल 70 रुपये क्विंटल मिल रहा है और सारे प्रदेशों में 150, 200 और 200 तक मिल रहा है। इसलिए हमारे पूरे प्रदेश की सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन है कि हमारे प्रदेश का कमीशन बढ़ाया जाए, और मशीनों में तकनीकी खराबी आती है और गरीबी रेखा के जो व्यक्ति हैं, जो कार्डधारी हैं, उन कई व्यक्तियों का अंगूठा नहीं लगता है, तो अपन उनको राशन से वंचित न किया जाए। फतेहगढ़ निवासी किसान का धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा। वहीं किसान के समर्थन में कम्युनिस्ट पार्टी भी खुलकर सामने आई। वहीं योगेंद्र शर्मा ने बताया कि किसान को जबरदस्ती हटने को मजबूर किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी कि यदि किसान को धरना देने से रोका गया या उसका जबरन टेंट हटाया गया तो इस पर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पुरजोर आंदोलन करने को बाध्य होगी। कि हमारे क्षेत्र की जनता किसान कितना परेशान है उसके लिए बात करना चाहिए। आज न्यायालय के अंदर क्या स्थिति होने जा रही है, न्यायालय के अंदर निकलने के लिए लोगों को लिए, क्योंकि बात एक किसान की नहीं है, इनके पास 40 बीघा जमीन है, तो 40 बीघा जमीन से अपना अकेला पेट नहीं भरते दोस्तों, ये पेट भरते हैं कम से कम 200 आदमियों का। 40 बीघा जमीन में 200 आदमी है कि आपने पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ पर आपसे मांग करती है। सरदार जी हमारे सरजीत सिंह जी, आपने मातृभाषण के लोगों को कैसा है साथियों की आज पिछले 4 दिन से फतेहगढ़ के पास में एक चक गांव है, वाकई सरदार जी हमारे सरजीत सिंह जी है। पिछले 6 महीने से लगातार शासन प्रशासन मुख्यमंत्री और जनसुनवाई में आवेदन दे चुके हैं। इनकी जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कराया वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के सहयोगी मान रहे हैं, और उनका कहना है कि नितिन गडकरी उप मुख्यमंत्री हमारे आदमी हैं, आप हमारी जमीन का कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी जमीन हम छोड़ेंगे। इसी सिलसिले में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह समर्थन किया सरदार जी का कि आपकी जमीन जिस व्यक्ति ने इस पर कब्जा किया है वो जमीन जब तक आपको नहीं मिल जाती तब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गुना आपके साथ में है और आपका सहयोग करती रहेगी। यदि उसके लिए जरूरत पड़ी तो हम जेल जाने भी तैयार हैं, और अगर जैसा कि भी मानना है कि इन्होंने बताया कि इसको पंडाल को जबरदस्ती प्रशासन हटाना चाह रहा है, तो प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि कोई आदमी अपनी अगर मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है, लोकतंत्र में प्रजातंत्र में हमें आंदोलन करने की पूरी छूट है। यदि किसी प्रकार से सरदार जी के ऊपर प्रशासन ने कोई हमला किया या जबरदस्ती टेंट हटाने की कोशिश करी तो कम्युनिस्ट पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी और उसके पक्ष में गिरफ्तारियाँ भी करेगी। मंडी बंद होने के चलते किसान होते रहे परेशान। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंडी समिति ने आज कार्य बंद रखा, जिसके चलते मंडी में दुकानें आज बंद रहीं। वहीं उस किसान की क्या गलती जिसे बताया भी नहीं गया कि आज मंडी बंद रहेगी। किसान अपने गांव से अनाज को लेकर मंडी में बेचने के लिए आ गया, लेकिन जब मंडी में किसान पहुंचा तो उसे मालूम पड़ा कि मंडी तो आज बंद है। अब इस बारिश के मौसम में आखिर किसान जाए तो जाए कहां। वहीं बार बार देखा जाता है कि सभी मुसीबतों का सामना केवल किसानों को ही करना पड़ता है। अधिकारियों की बातें करें तो उन्हें किसानों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हड़ताल करनी है, क्योंकि उन्हें केवल खुद की मांगे ही मनवानी है। जबकि किसान पहले से ही परेशान है, उसकी फसल नहीं आती, फसल होती है तो बेचने के लिए मंडी पहुंचता है तो पता चलता है कि मंडी बंद है। हाँ, बोली बोली पकड़ करो जा। आज की मंडी घर पर दिखा रही है, दिखा रही है। अपने सकल अनाज तिलहन व्यापार महासंघ जो हमारा प्रांतीय है उसके आह्वान पर प्रदेश की समस्त मंडियों के संदर्भ में ये हड़ताल है, और इसी तारतम्य में उनका साथ देते हुए हम लोगों ने गुना में भी मंडियां बंद रखी हैं, और गुना की पूरे जिले की मंडियां बंद हैं, अशोकनगर की भी मंडियां बंद हैं। गुना में भी हमने लिख कर भी दे दिया था
और उन्होंने हमको स्वीकृति भी दे दी थी कि हाँ ठीक है आप मंडियाँ बंद रखें, परंतु कृषकों को जानकारी नहीं मिली थी। हालांकि अखबार में भी सूचना है, दैनिक भास्कर पत्रिका में भी सूचना है, लोकल अखबार आलाप में भी सूचना दे दी गई थी कि मंडियाँ बंद हैं, फिर भी कुछ किसान आ गए यहाँ पर और जब उन्होंने मंडी से ये रिक्वेस्ट की कि साहब हमारी डाक करवा दो, तो व्यापारी भी उपस्थित थे, तो व्यापारियों ने सोचा कि चलो भैया, तो एक टाइम लेकर घंटे डेढ़ घंटे का हम लोगों ने सबको व्यापारियों को भी बुला लिया और जो आए हुए किसान हैं उनको निपटा दिया। परंतु हमारी जो हड़ताल है प्रांतीय संघ के आह्वान पर है और वो अभी भी जारी है और अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। आए हुए किसानों को निपटाने तक की हमने जो है आज आपसे इसमें क्या मांगे हैं? हमारी मांगों में तो देखो एक बात क्या है कि ये अव्यवस्था चलेंगे, ई नीलामी ना हो, ई बिल अपने जो ई अनुज्ञा इसमें बहुत सारी खामियां हैं, अभी ये खामी अभियाली पकड़ में आई है, कई खामियां हैं, मनमानी करते हैं अधिकारी कर्मचारी, रिश्वत लेकर हमें परेशान करते रहते हैं और काम होता नहीं है। तो हमारा कहना ये कि पहले तैयारियाँ कर लें उसके बाद बैठकर बात कर लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ई नीलामी में डाक निवट ही नहीं पाएगी, ना लैब है उनके पास, ना उनके पास स्टाफ है, ना व्यवस्था है। जब तैयारियां पूरी हो जाएं बैठकर कर्मचारियां बात कर लें। और इसी बात के संदर्भ में हम लोगों ने 10 मीटिंग एमडी से कर ली, पर किसी में भी वो ना तो मिलना पसंद करते हैं, ना बात करना पसंद करते हैं, ना राजशासन ना पूर्व। फिलहाल तो हमारी ये हड़ताल जो है प्रांतीय आह्वान पर है, वहाँ पर बात कर रहे हैं भोपाल में, यदि बात मान ली गई तो पर एक बात अलग है, नहीं तो अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगी। ग्राम पंचायत झागर में डीपी 25 केवी जो कि बिजली गिरने से फॉल्ट हो गई थी, लेकिन आज तक इसको नहीं बदला गया। ग्रामीण भारी समस्या से जूझ रहे हैं। जब हमने इसकी पूरी जानकारी ग्रामीणों से ली तो पता चला कि धर्मेंद्र कटार ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की थी, लेकिन उसका निराकरण कागजों में ही हो गया। लेकिन सच में आज तक इस डीपी को बदला नहीं गया। जब हमने इसकी बात विद्युत अधिकारियों से करना चाही तो उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया और ना ही उनका फोन रिटर्न आया। फिर ग्रामीणों से पता चला कि वह डीपी देखने आए थे। इतना ही नहीं, जो लोग आए थे वो गांव वालों से बोले कि इसका तेल भरवा दो तब बदली जाएगी, या तेल भरवाने की रसीद कटवा लो। समझ से परे है कि यदि ग्रामीण ही डीपी का तेल डलवाने लगे तो विद्युत विभाग की जिम्मेदारी क्या होगी। इसमें एक ग्रामीण संतोष ओझा तो ऐसा है जिसका बिल करीब 12 साल से आ रहा है और उसके यहाँ तो बिजली का मीटर भी नहीं लगा और ना ही लाइन है, पर हर माह बिल जरूर आता है और अभी तक इसका पूरा बिल आसमान छू रहा है जो कि 55,158 रुपए हो चुका है, जो पूरा बकाया है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। क्या नाम है? इसकी मैंने कंप्लेंट भी कर दी है और इसको लगभग एक महीने से ऊपर हो गया, बदला नहीं हुआ। कंप्लेंट कहाँ की थी आपने? मैंने सीएम हेल्पलाइन के लिए की है। तो फिर क्या हुआ? उसका निराकरण का मैसेज आ गया और ये अभी तक बदला नहीं हुआ। अच्छा, निराकरण हो गया लेकिन रियलिटी में बदला नहीं हुआ अभी तक। तो और कुछ जानने की कोशिश की आपने? मैंने जानने की तो बहुत कोशिश की, उस रोज रखने आए थे तो बोले इसमें पहले तेल डलवाओ तब बदलेंगे हम। तेल डलवाओ तब बदलेंगे? हाँ। ये किसने बोला था आपको? ये वो गाड़ी वाले भैया आए थे, उनका नाम तो मैं नहीं जानता। अच्छा, विद्युत मंडल से आए? हाँ, विद्युत मंडल से गाड़ी आई थी। अच्छा, तो आप लोगों के बिल भी आ रहे होंगे? हाँ, बिल आ रहे हैं मेरे। तो ये डीपी खराब किस तरीके से हुई थी? इस पर सर बिजली गिरी थी, इस पर पानी गिर रहा था और अचानक आवाज हुई, विस्फोट टाइप का हुआ था। तो ये कितने दिन पहले की बात है? ये एक महीने से ऊपर हो गया, लगभग 32-35 दिन के लगभग हुए हैं। 32-35 दिन? हाँ। तो जब से क्या लाइट नहीं आ रही इधर? नहीं, इधर बिल्कुल नहीं, हम परेशान हैं बहुत। तो करीब कितने घर परेशान होंगे? लगभग 50 घर तो परेशान होंगे। 50 घर? हाँ। तो रात में भी फिर परेशानी होती होगी? हाँ, रात में ही परेशानी होती है। इनसे पूछे इनकी कैसी हालत हो रही है। क्या नाम है आपका? गाँव पर बताइए, समस्या है बताइए। समस्या का जल्दी लाइट ही नहीं है। अच्छा।
मेरा कनेक्शन कागज में चालू है और न्योका पे लाइट भी नहीं है ना मीटर है और बिल आज से बंद नहीं है। अच्छा बिल आ रहा है, कब से आ रहा है ये? अपनी 2300 डीपी 200 उतर गई जब से बिल ही आ रहा है। कनेक्शन तभी से कनेक्शन नहीं है, उसके बाद भी बिल आता है। हाँ तो आप इस बिल को भरते हो? जब मैं कह आधार से भर मेरे पास ना मीटर है ना लाइट है। जो माफ की घुटना बजना तो जो माफ आओ भी हो मेरे माफ भी नहीं हुए? नहीं हुआ। आपने फॉर्म भरा था? भरा था। फिर कोई जवाब ही नहीं मिला? बाप नहीं दिया जवाब। झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। आरोन नगर में गुरु पूर्णिमा तहसील एवं परमाड़ी हाट शुक्रवार को श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया गया एवं सावन माह भी प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह ने आश्रमों में पूजा अर्चना की एवं मंदिरों में पूजा की। वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी उमड़ा। श्रद्धालु भक्तों ने आज अपने गुरु की पूजा अर्चना भी की। गुरु दर्शन के लिए भक्त अपने गुरु आश्रम पहुंचे। शहर से सटे श्री सियाजी आश्रम महाकाल बाबा की पूजा अर्चना के लिए अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सनकादिक आश्रम पर भी भक्तों के लिए विशेष प्रसादी की व्यवस्था की गई। श्रद्धालु शिक्षक ओम सिंह ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर विशेष हवन एवं कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। प्रेरणा से आपकी प्रेरणा से लग गया होगा आपका यह सब कुछ तो आपको आपके आर्मी के प्रेरणा हो सर। ये लोगों ने कहा तो कहा सरकारी पैसा ऐसा वैसा अन्ना का ऐसा वैसा तो मुझे अभी बताया गया कि पूरे देश में संकादिक की गादी आरोन में है। आरोन ये नहीं था संकादिक का तो ये कितनी बड़ी बात है। जिस प्रकार से सात ग्रह है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में रामायण संप्रदाय के सात खालसा है। खालसा संकादिक खालसा अपना भी पुराने खालसा में गिनती होती है पूरे देश में। हाँ पूरे देश में जा ऐसे थोड़े ये तो राजा महाराज ऐसे यार जन्म जाता राज तो तपस्वी है पूर्ण जन्म की क्या कहता कोई प्रश्न नहीं किया। हमारे गांव में तो राजा महाराजा थे ना, हम जानते थे राजा महाराज। राजा महाराजा थे तो आपके सेवक थे। सेव तो हो तब ना तो राजा महाराज हो राजा महाराज नहीं। हम तो छोटे बच्चे थे 7-8 साल के राजा कर दो चौथे मनुद्र से जाते वो पहले महाराज आशीर्वाद देते बोले कि आशीर्वाद साथे मंजिल पर नीचे बैठे जल्दी करते। और आपका क्या सत्कार किया जाए आपको सर्वी कोई बात भी नहीं आपका आशीर्वाद है वैरागी तो हम भी तो वैराग है अनुराग और वैराग तो है हम भी वैष्णव भी है महाराज जी। हाँ वैष्णव हो तो पिपा जी की गलती है अनुराग मतलब प्रेम वैराग लो किसी से प्रेम नहीं जोड़ा है। अच्छा आपको आने से हमारे शक्ति बन दलित समाज के सरपंच के ऊपर अत्याचार, उप सरपंच व उसके चाचा की दादागिरी। सरपंच और सचिव के फर्जी हस्ताक्षर करके नरेगा के तहत सड़क के नाम पर निकाले 7,80,000 रुपए। उप सरपंच और उपयंत्री व जनपद के अधिकारियों की मिली भगत से पंचायत में लाखों रुपए की राशि का गोलमाल। दलित पंचायत सरपंच सोनू ने जन सुनवाई में कलेक्टर से लगाई गुहार। राधोगढ़ जनपद के अधिकारी कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मामला राधोगढ़ तहसील के अवन पंचायत का है। इस पंचायत के सरपंच सोनू ने कहा है कि वह कलेक्टर से लेकर जिला सीईओ व जनपद सीईओ से शिकायत की है। सरपंच का कहना है कि आवन पंचायत में नरेगा के तहत सड़क पर मुर्मीकरण का कार्य होना था जिसमें सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई। उसके नाम पर उप सरपंच ने फर्जी बिल लगाकर उपयंत्री व जनपद के अधिकारियों की मिली भगत से मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके 7,80,000 रुपए निकाल लिए और राशि का बंदरबाड़ भी हो गया। मुझे पता तक नहीं चला
जब पता चला तो मैंने इसकी शिकायत की है, लेकिन अधिकारी इस ओर को ध्यान नहीं दे रहे। सरपंच सोनू का कहना है कि पंचायत में इसके अलावा भी लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। मैं गरीब परिवार से व दलित समाज का व्यक्ति हूँ, इस वजह से मेरी आवाज दबाई जा रही है, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे ऊपर दादागिरी चलाई जाती है। उप सरपंच का चाचा भोपाल में विधानसभा में नौकरी करता है, उसका चाचा मुझ पर नौकरी का खौफ दिखाता है कि अगर मैंने कहीं पर भी शिकायत करने जाता हूँ तो मेरे साथ सरेआम गाली गलौज की जाती है, मुझे अपमानित किया जाता है एवं जान से मारने की धमकी भी दी जाती है, साथ ही घर से भगाने की भी धमकी दी जाती है। इस वजह से मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। उनके डर से दलित सरपंच ने राधोगढ़ थाने में भी शिकायत की है। पुलिस से परिवार सहित जान माल की सुरक्षा मांगी सरपंच ने। यह भी कहा कि अगर मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कोई हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरपंच की होगी। वहीं सचिव पदम सिंह राजपूत का कहना है कि पंचायत में 7,80,000 रुपए निकाले गए हैं, उसमें मेरे भी फर्जी हस्ताक्षर किए गए, मैंने भी इसकी शिकायत जनपद में की है। जब इस मामले की पड़ताल करने हमारी टीम पहले तो आवन गाँव पहुँची, नरेगा की सड़क पर 7,80,000 रुपए का मुर्मीकरण हुआ था, लेकिन जब उस जगह पर जाकर देखा तो मुर्मीकरण के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही की गई। इसके बाद हमारी टीम जनपद पंचायत राधोगढ़ पहुंची, अधिकारियों के पास ऑफिस में जनपद पंचायत सीईओ हेमलता शर्मा नहीं मिली। ऑफिस खुला था और मैडम वहां से गायब थी। जब जनपद पंचायत हेमलता शर्मा को कई बार फोन लगाया लेकिन मैडम ने फोन नहीं उठाया। जब जनपद के अधिकारियों से इस मसले पर बात करना चाही तो अधिकारियों ने कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसके बाद हमारी टीम उपयंत्री राखी खरे के पास भी गई और फोन किया, लेकिन उपयंत्री ने फोन नहीं उठाया और फोन बंद कर लिया। इस मामले में जिला सीईओ नीतू माथुर का कहना है कि सरपंच ने हमारे यहाँ पर भी शिकायत की थी, हमने जनपद सीईओ से इसका प्रतिवेदन भी चाहा है। मामले की जांच की जा रही है, जांच में जो भी निष्कर्ष सामने आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये मारने की धमकी दी जा रही है, क्यों दास करने करेगा, हमारा सिर बंदर सुराज करेगा के है, मुझे दादागिरी दिखाते हैं, धमकियां देते हैं, मेरे साथ में जो भी कुछ होगा, इन दोनों चाचा भतीजे का नाम होगा बुंदेल सिंह लोधा और डालू ऑफ सरपंच नंद कुमार लोधा। मेरा कैडी वाला था लेकिन दस्तखत उसके हो रहा है और पदम सिंह राजपूत के, वो तो जब भी उस पर चार्ज नहीं है, वो तो उसमें आए शौचालय के चक्कर में वो सस्पेंड होता। मेरी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, कहीं से कहीं तक जिले में कर रहा है ना, कोई कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है मेरी। मैं तो मान लो मेरे ऊपर तो अब मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हैं, कभी मार सकते हैं, किसी से मरवा सकते हैं, गांव में हमारे आवन में हो ही रहा जी। रात में 10-10 बजे फोन लगा के बुलाते हैं, ना मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे मार दे, कोई इनका कोई ठिकाना है के रात में इतना वो चल रहा है फर्जीवाड़ा बहुत जोर से। अभी मेरी पंचायत में 7,80,000 रुपये निकाल लिए, जो रोड क्लियर भी नहीं हुआ अभी, उसमें बकाया उसमें काम क्लियर तरीके से नहीं हुआ है, उसके पैसे निकाल मैंने मना किया तो उन्हें पर्ची दस्तखत करके, मेरे और सेक्रेटरी के पर्ची दस्तखत करके उन्होंने निकाल लिए पैसे। सरपंच हूँ मैं, मैन है, मैंने मना किया दस्तखत करने से तो इन्होंने पर्ची दस्तखत करके पैसे निकाले, और मैडम को बताया मैंने, मैडम ने कही मुझे लिखित में दो, मैंने लिखित में मैडम को भी दे के आया सीईओ साहब को, और मैं गुना जन सुनवाई में भी दे के आया हूँ, पंचायत कलेक्टर साहब जो है नरवरिया जी उनको भी दे के आया हूँ मैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते। आज कितने एक हफ्ते ज़्यादा हो गया है, अभी तक शिकायत उनने बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं की है जी। हम ये इसकी शिकायत उन सरपंच ने हमारे यहाँ भी की थी, तो उसमें हम लोगों ने सीओ से प्रतिवेदन भी चाहा और जांच कराई जा रही है, फिर जो भी जांच में जैसे निष्कर्ष आएंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।